इंडिया न्यूज 24 आवर। मुंबई नई दिल्ली नरेंद्र मोदी सरकार में रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज और शिपिंग मिनिस्टर नितिन गडकरी ने इस बात पर हैरानी जताई है कि नावी के ज्यादातर अफसर साउथ मुंबई के पॉश इलाकों में ही फ्लैट्स या क्वार्ट्स क्यों चाहते हैं। न्यूज एजेंसी के मुताबिक गडकरी ने गुरुवार को कहा कि वो नावी हाउसिंग के लिए एक इंच जमीन भी नहीं देंगे। नावी की जरूरत तो बॉर्डर पर, गडकरी ने एक पब्लिक इवेंट के दौरान जब नावी अफसरों को साउथ मुंबई के पॉश इलाके में जमीन न देने की बात कही तब वहाँ वेस्टर्न नेवल कमांड चीफ वाइस एडमिरल गिरीश लूथरा भी मौजूद थे। मिनिस्टर ने कहा हकीकत में नावी की जरूरत तो उन बोर्ड्स पर है जहां से आतंकी घुसपैठ करते हैं। पता नहीं क्यों हर कोई नावी में साउथ मुंबई में ही क्यों रहना चाहता है। वो नावी अफसर मेरे पास आए थे, प्लॉट की मांग की थी, मैं उन्हें एक इंच भी जमीन नहीं दे पाऊंगा, प्लीज आगे से मेरे पास न आए। गडकरी क्यों हुए सख्त? दरअसल नावी को साउथ मुंबई के मलाबार हिल्स में फ्लोटिंग जेटी बनाने की मंजूरी नहीं मिली है। वो यहां फ्लोटिंग होटल और सीप्लेन सर्विस भी शुरू करना चाहती थी। गडकरी ने इस मुद्दे को लेकर ही पब्लिक इवेंट के दौरान अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। उन्होंने आगे कहा हर कोई साउथ मुंबई की खास जमीन पर क्वार्ट्स और फ्लैट्स बनाना चाहता है। हम आपका नावी सम्मान करते हैं, लेकिन आपको पाकिस्तान बॉर्डर पर जाकर करनी चाहिए। कुछ सीनियर अफसर जरूर मुंबई में रह सकते हैं। ईस्टर्न सी फ्रंट को मुंबई पोर्ट ट्रस्ट और महाराष्ट्र सरकार मिलकर डेवलप कर रहे हैं, इससे सिर्फ लोकल के लोगों को फायदा मिलेगा।